नमस्कार, आज मुझमान झुंपुरी पिठ भजा तैयारी करके देखेबी। या झुंपुरी नहले झुंपुड़ी कह जाए ओडिशार उत्तरांचल या फुटुकुड़ी फुटुकुड़ी कहुए। यह देखा ठीक यही या पूर्वर मुझे विभिन्न प्रकार जिनस सब या देखी। ओडिशार विभिन्न अंचल लोक मैंने निज निज रुचि को लेकिन झुंपुरी शाग को विभिन्न उपाय रांधि था। जदिओ एबे एतेटा बाहरिनी तथापि एटा फळीबा आरंभ हो गलाणी। जेहेतु मु मध्ये बहुत अल्प परिमाण रे पाइछि तेनो एथरे आपण मानको झुंपुरी पिठो तयार करके देखौछि। ए देखंतु ए से झुंपुरी बा झुंपुड़ी प्रथमे आमे याको सफा करि नबा। तापरे याको पूरा भल भाबरे धोइ नबा। तापरे आमे पिठो जेमिति बाटी थौ बतुरा हिथिबा चाउल अदा जीरा एवं लंका देकि ताको बाटी नबा। जेउ झुंपुरी को धोईकी रखिथिलु एबे सेथिरे पिठो देखिके लुण एवं हलदी को देदेब। आपण माने एठी चाहिले प्याज को काटिकी मध्य दे पारिबे। तापरे सब जिनस को पूरा भल भाव मिसे नेला परे तावा बा गोटे फ्राइंग पैन रे किछि तेल गरम करके एइपरि भाबरे छोट छोट बरा आकार रो करके झुंपुड़ी पिठो गुड़ी को भाजी नबा। गोटे पट हेला परे ताको उल्टे नबा। दुई पाख पूरा भल भाव सुनेरी रंग आसला पर्यंत आम या भाजी नबा। चूलीर आंच मीडियम रु हाई फ्लेम रखिकी एगुड़ा भाजी ने जेहेतु ये पूरा कषी तेणु बेस समय लगे हाई फ्लेम ही बेस कुड़कुड़िया भी हम। ये देखु ये भाव में दुई पाख पूरा नाली हो गलापर आम या काढ़ी नबा। बर्तमान आमर झुंपुरी पिठो भजा तागला। आपण मैंने सबू एपर्त कर कि नहीं तो मुझे जानी कि झुंपुरी शागर जहाँ भी किसी करूँ खावाक बेस बढ़िया लगी।